ये जो मिसकैरेज है ये कई वैरायटी का होता है, इनएविटेबल मिसकैरेज, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कम्प्लीट अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, और इनकी वैरायटीज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग वैरायटी का जो अबॉर्शन होता है उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम पे। सबसे पहले हम आते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग चालू हो जाती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही होती है, लेकिन बच्चेदानी का मुँह खुला नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे अबॉर्शन को रोक सकते हैं, जी हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट, हार्मोनल सपोर्ट देके, बेड रेस्ट देके हम ऐसे अबॉर्शन को रोक सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन हो सकता है पर ऐसा नहीं कि अबॉर्शन हो गया है, बच्चा अभी भी बच्चेदानी के अंदर है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है लेकिन बच्चा थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम बेड रेस्ट देते हैं, जब हम हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, तो बहुत सी बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। अगला आता है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और बच्चेदानी का मुंह भी खुल चुका है, तो हम इस अबॉर्शन को रोक नहीं पाते हैं और इसे हम कहते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। अगला है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो गई, बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया, कुछ पार्ट बच्चेदानी में से निकल गया, फिर ब्लीडिंग रुक गई लेकिन कुछ पार्ट अंदर ही रह गया, बच्चेदानी का मुंह भी बंद हो गया, मुंह खुला है तो कुछ पार्ट बाहर निकल गया है, कुछ पार्ट अंदर रह गया, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन को कम्प्लीट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ पार्ट अंदर रह जाएगा तो हो सकता है आपकी ब्लीडिंग चालू रहे, ऑन एंड ऑफ आप ब्लीड करती रहें, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसलिए इनकम्प्लीट अबॉर्शन को कम्प्लीट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में बच्चा देखिए सर्वाइव तो करेगा नहीं, वह आगे ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ पार्ट तो उसका निकल गया है, तो उसको पूरा डिसकंटिन्यू करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वैरायटी होती है कम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कि ब्लीडिंग शुरू हुई, बच्चेदानी का मुंह खुला और पूरी की पूरी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई, अंदर कुछ नहीं बचा। ऐसे केसेस में हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी है, जो फीटस है, वो पूरा का पूरा बाहर निकल चुका होता है। नेक्स्ट होता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यानी कि ना ब्लीडिंग हुई या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई, पेशेंट ने उसको ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा कुछ और प्रॉब्लम नहीं आई, कोई पेट में दर्द वर्द भी नहीं हुआ, फिर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने के लिए, सोनोग्राफी में पाया जाता है कि बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है, यानी कि अबॉर्शन हो चुका है लेकिन वह मिस हो गया, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि अबॉर्शन हो गया है, इसे कहते हैं हम मिस्ड अबॉर्शन। ऐसे अबॉर्शन के केसेस को भी हमें डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम जो डेड फीटस है अगर हम उसे अंदर ही पड़े रहने देंगे तो इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा। अगर इसमें अर्ली ड्यूरेशन का यानी कि 7 हफ्ते से कम का है तो हम उसे गोलियां देके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 7 हफ्ते से अगर अधिक की प्रेगनेंसी है तो यूजुअली हमें बच्चेदानी की क्लीनिंग करनी पड़ती है, डीएनसी करना पड़ता है या सक्शन इवैक्यूएशन करना पड़ता है। तो ये हुए मिसकैरेजेस के टाइप्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम मिसकैरेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो मेरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपका हार्ड लग रहा और मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद क्या क्या ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, इस पर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।